नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल जॉन्टी न्यूज पर एक नई ताजा खबर के साथ। भारत ने पाकिस्तान को सांसें रोक देने वाले क्लोज इनकाउंटर में 5 विकेट से एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में करारी शिकस्त दी। इस मैच के हीरो रहे भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा व प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या। लेकिन भारत की जीत में आईसीसी के नए नियम ने भी बड़ा अहम रोल निभाया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारा वीडियो भी शेयर करें। आइए जानते हैं आईसीसी के उस नए नियम के बारे में जिसने पाकिस्तान को इस बार भारी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, T20 क्रिकेट में आईसीसी ने इस साल जनवरी में स्लो ओवर रेट को लेकर एक नया नियम बनाया, जिसके अनुसार कोई भी टीम ओवर रेट में तय समय से पीछे रहेगी तो बाकी बचे ओवरों में 30 यार्ड के सर्कल से बाहर एक खिलाड़ी कम कर दिया जाएगा। ऐसे में 30 यार्ड के बाहर सिर्फ 4 खिलाड़ी ही लग सकेंगे और पांचवा क्षेत्र रक्षक 30 यार्ड सर्कल के अंदर लगाना होगा। दोस्तों, कोई भी टीम ये पेनाल्टी डेथ ओवरों में नहीं कराना चाहेगी। भारत को अंतिम 3 ओवर में 32 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्लो ओवर रेट की इस पेनाल्टी के कारण पाकिस्तान को अपना अतिरिक्त क्षेत्र रक्षक 30 यार्ड के घेरे में ही लगाना पड़ा, जिसका लाभ उठाकर हार्दिक पांड्या ने चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी और मुश्किल मैच भी भारत की झोली में डाल दिया। अगर पाकिस्तान को यह पेनाल्टी न लगती तो शायद मैच का परिणाम बदल भी सकता था। दोस्तों, आईसीसी के स्लो ओवर रेट के इस नए नियम के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।